अगर मालवा से बड़ी खबर, जहां पर नशेड़ी पुत्र ने कर्मचारी के साथ मिलकर ही अपनी पिता की दुकान से 5 लाख रुपए चोरी किए। नलखेड़ा पुलिस ने चोरी की वारदात को 24 घंटे में इसका खुलासा कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि नलखेड़ा चौक बाजार स्थित नोवेल्टी जनरल स्टोर का मामला है। दुकान के मालिक राजकुमार ओसवाल ने दुकान से 5 लाख रुपए और अन्य जरूरी दस्तावेज चोरी होने की सूचना नलखेड़ा थाने में दी थी। पुलिस ने जांच में पाया कि फरियादी के बड़े बेटे प्रांजल ने अपनी ही दुकान के कर्मचारी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद चोरी के बाद दुकान में ही छिपाकर रखे 5 लाख रुपए और अन्य दस्तावेज भी पुलिस ने बरामद किए हैं। आपको बता दें कि दुकान के कर्मचारी बबलू सूर्यवंशी ने चोरी की वारदात करना कबूली है। आरोपी बबलू सूर्यवंशी गिरफ्तार हुआ है, वहीं आरोपी पुत्र प्रांजल की गिरफ्तारी होना बाकी है। थाना नलखेड़ा के अंतर्गत 22 तारीख के रात के समय एक नावल्टी स्टोर था, उसमें चूँकि उनका जो नौकर था वो उनका राजकुमार जी का, उसके द्वारा ये बताया गया कि इसका ताला खोल के और चोरी हो गई है। तो ये उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट किया। पुलिस ने जब बारीक से तफ्तीश की तो उसमें उनका कहीं ना कहीं जो उनका कार करने वाला जो नौकर था उस पर शक हुआ, और तो उसने सख्ती से पूछताछ की तो नौकर के साथ साथ उनका बेटा भी इस घटना में संलिप्त पाया गया। और पुलिस के द्वारा इनके दुकान से जो 5 लाख रुपए की चोरी हुई है वो सभी राशि बरामद की है।